नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सेक्टर और राज्य सेक्टर केंद्र पोषित 20 सूत्रीय योजनाओं की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरे कार्यों को इसी माह पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि जिन विभागों द्वारा कम खर्च किया गया है वो जल्द कार्यों का भुगतान करें और विकास कार्यों को पूरा करें, जिससे लोगों को उसका लाभ समय पर मिल सकेगा। जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जनपद पौड़ी के जितने भी विभाग है सबसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपना तत्काल खर्च करना सुनिश्चित करेंगे। अभी 4 से 5 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में धनराशि भी अवशेष है। उन डिपार्टमेंट में प्रमुखता से DOPRD युवा कल्याण विभाग, साथ में पेयजल संस्थान है, पेयजल निगम है और PWD है। तो उनको निर्देश दिया गया है जिला योजना में जो धनराशि मिला है उसको तत्काल खर्च करें और उसी प्रस्तुत करें। साथ में जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जिनका राज्य सेक्टर में धनराशि कम खर्च हुआ है, प्रमुखता से PWD, PMGSY और जो हमारे पेयजल निगम है इनके पास अधिक धनराशि बाकी है, तो उन डिपार्टमेंट का शोकॉज जारी किया जा रहा है। उनको अपना धनराशि खर्च करने के निर्देश दिया जा रहा है और अनुरोध किया जा रहा है कि 31 मार्च से पूर्व जो भी धनराशि उनके पास में उनको खर्च कर लिया जाए। कलियर में पुलिस और साइबर सेल ने क्षेत्र से खोए हुए करीब 25 मोबाइलों को बरामद किया है। उनके मालिकों को सौंप दिया गया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद कर उनके काम की प्रशंसा की। क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने कलियर थाने में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के कई स्थानों से करीब 25 मोबाइल फोन गुम हो जाने की सूचना मिली थी, जिनकी रिकवरी करने के लिए थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। लक्सर में 4 दिन पहले व्यापारी की दुकान में चोरी हुई थी। SP देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। 4 दिन पहले लक्सर रुड़की मार्ग पर व्यापारी की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही व्यापारी ने जिसकी रिपोर्ट लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई थी। लक्सर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उच्च अधिकारियों के निर्देश भी दिए और टीम बनाकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। जो प्रोविजनल स्टोर है वहाँ से रात को चोरी हुई थी, उस संबंध में जो इसके जो मालिक थे राम कुमार गुप्ता जी, उनके पुलिस को एक तहरीर दी गई थी जिसमें जो वहाँ के संबंधित चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा इसको तुरंत अभियोग इसमें पंजीकृत कराया गया था। इसमें इंस्पेक्टर CO लक्सर और इंस्पेक्टर लक्सर इनकी टीम के द्वारा लगातार वर्क करते हुए 48 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। ये क्योंकि ये थोड़ा सा मामला इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि बाजार क्षेत्र के अंदर से ये चोरी की गई थी और सभी अभियुक्त क्योंकि बाहर के थे और अज्ञात में ये मुकदमा लिखा गया था, उसके बावजूद भी अच्छा सर्विलांस का यूज़ करते हुए पुलिस के द्वारा सभी चारों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ़ जो आवश्यक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। विकास नगर पछुआ दून क्षेत्र में खनन से जुड़े लोगों को आपस में झगड़ते देखा जाता है। स्क्रीन प्लॉट पर खनन व्यवसायी आपस में झगड़ पड़े, मामला मारपीट तक आने को पड़ गया जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया। खनन व्यवसायी उमेश गुप्ता का कहना है कि स्क्रीनिंग प्लांट पर अपने ड्राइवर को खर्चा देने के लिए गया था और उसने कहा कि मेरा ट्रैक्टर स्क्रीन प्लांट पर माल ढो रहा था। मामला ये हुआ सर कि मेरा ट्रैक्टर जो है माल लेके आया करेसर पे, तो मैं अपने ड्राइवर को पैसे लेके गया देने के लिए, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था पहले से, उसने आके एकदम ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया। उसका नाम है साबिर खुजली और उसका लड़का भी वहाँ पे था, तो उसने एकदम आके जो है कि ट्रैक्टर पर रोक लिया कि आपका ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इतनी देर में क्या हुआ सर कि और भी आ गए 3-4 आदमी, एक सुलेमान था, एक सलमान था, उसके पिताजी का नाम इरशाद है, और एक जो है कि वाका वसीम बोलते हैं शकील, उसके बाप का नाम सर शकील है। इन्होंने एकदम मेरे ऊपर वो घेरा दे लिया और मारने लग गए मेरे से, जो है कि एक सोने की चैन, 10,000 रुपये जो मैं ड्राइवर को दे रहा था वो भी छीन लिया और मारपीट करी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा और पूरी बदमाशी दिखाई और पैसे लेके चले गए। इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में भी हमारी इतनी है कि आप जाके आप रिपोर्ट दर्ज करा के दिखा दो, ये कहा जी।
खबर खटीमा से है, जहां पर गांव गिंधौर लंकापुरी में गुलदार के हमले से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल गिंधौर का रहने वाला बलजीत सिंह अपनी दादी के साथ घर के आंगन में खाना खा रहा था, तभी पीछे से घात लगाकर गुलदार ने हमला कर दिया। मासूम बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं स्थानीय वन चौकी की गाड़ी की मदद से घायल बच्चे को नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उसको घर भेज दिया गया है। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा के साथ मित्रता का भी पूरा फर्ज बखूबी निभाया। सीपीयू पुलिस ने गगनहर पुलिस से मंगलौर की पटरी पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान सीपीयू के सब इंस्पेक्टर सुक्रमपाल सिंह को पास में ही झाड़ियों में एक पर्स गिरा हुआ दिखा, जिसे उन्होंने उठा लिया। पर्स की तलाशी लेने पर सब इंस्पेक्टर को पर्स में युवक के दस्तावेज मिले, जिसमें युवक का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई बैंक के 4 एटीएम समेत अन्य दस्तावेज भी मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने अभिषेक कुमार से संपर्क किया और उसे सामान सुपुर्द किया। और मैं 25 फरवरी को बाई बस मेरठ देहरादून से मेरठ जा रहा था, तो मेरा पर्स रुड़की के पास खो गया। तो कल मुझे रुड़की पुलिस की इंस्पेक्टर सुक्रमपाल सिंह का फ़ोन आया कि मेरा पर्स उनके पास है और उन्हें वो नहर के पास से मिला है, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसी पर्स में थे, जो कि आज मुझे वापसी कर दिए गए हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज थे आपके? मेरे इसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थे, और मैं रुड़की पुलिस का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस लौटाए, और मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से सभी जन की सेवा करते रहें। शाम को हमारी ड्यूटी यहीं पे थी, हम यही चेकिंग कर रहे थे, तो इधर जैसे नहर पटरी से हम जा रहे थे, तो रास्ते में झाड़ झंकाड़ों में एक पर्स दिखाई दिया, तो हमने वो जो उठाया, उठाने के बाद में खोला, उसमें अभिषेक पवार नाम के बच्चे का उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उनके, 7 कार्ड हैं उसमें। तो हमने उनका उसी में उनका एड्रेस ढूंढा, उसमें मोबाइल नंबर मिला, तो मोबाइल नंबर मिलने से हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने से उसने बताया कि मेरा दिनांक 25 फरवरी को मेरठ जाते समय गुम हो गया था, और उसके बाद उन्होंने कहीं ऑनलाइन उसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस बच्चे को हमने कॉल करके बुलाया, और बुलाने के बाद उसके हाथों में उसे उसके डॉक्यूमेंट्स मैं पर्स के। सितारगंज में अमरिया चौक से कुछ दूरी पर वीरेंद्र नगर मोड़ के पास यात्रियों से भरी प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं जो गंभीर रूप से घायल है उनको इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक दर्जन चोटिल पहुंचे हैं, और बताया जाता है कि ये बस सितारगंज से पिछा जा रही थी, और पिछा रोड पे संभवतः वाहन चालक गति से अपना नियंत्रण खो बैठे, ऐसा बताया गया, जिस कारण से जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर पलट गया, और जिसमें लगभग एक दर्जन लोग चोटिल हो गए, और उसमें जो चोटिल हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में पहुंच रहे हैं, जिनका की प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, और एक दो गंभीर रूप से भी घायल हैं, उनको हायर सेंटर बेहतर उपचार के लिए संदर्भित किया। हरिद्वार में युवा जागृति विचार मंच की ओर से कनखल में स्वामी श्रद्धानंद चौक पर स्मैक जैसे घातक नशे के खिलाफ में निराहार सत्याग्रह किया गया। इस दौरान युवा जागृति विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार को स्मैक नशा मुक्त बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए निराहार सत्याग्रह और हस्ताक्षर अभियान के तरफ से जन जागरण अभियान चलाया गया। देखिए, ये पिछले 8 महीने से जो हमारा स्मैक मुक्त हरिद्वार के लिए जो अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी में आज 6ठा चरण हमारा आज निराहार सत्याग्रह हमने यहाँ सिंह द्वार पे किया है। हमारी तो बस एक ही डिमांड है, कोई भी कारण बने, चाहे वो प्रशासन बने, चाहे वो शासन बने, चाहे जनप्रतिनिधि बने, कोई भी ऐसा कारण बने जो हमारे इस हरिद्वार को स्मैक मुक्त हरिद्वार बनाने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाए। हमारा मकसद है स्मैक मुक्त युवा से राष्ट्र निर्माता युवा बनाना। ये आज जो निराहार सत्याग्रह यहाँ पर कार्यक्रम है हमारा, धरना प्रदर्शन है, ये सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का कार्यक्रम है, और यहाँ पर सब निराहार सत्याग्रह सांकेतिक रूप में बैठे हैं।
जो हमारी संस्था है लगभग 7-8 महीने से हरिद्वार महीने से जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तब से हम लोग एक जनजागरण अभियान स्मैक मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए हम लोगों ने चला हुआ है और इसका जो है जनमानस पे काफ़ी प्रभाव है और सेच प्रशासन और शासन इससे चेता भी है, प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई की है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई कर इस हरिद्वार को स्मैक मुक्त बनाने का कार्य करेगा और हम इस लड़ाई को हरिद्वार को स्मैक मुक्त बनाने के लिए अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माता बनाने के लिए उनका निर्माण कर। चकराता में नकली करेंसी खपाने के लिए दिल्ली से देहरादून के सुदूरवर्ती चकराता क्षेत्र में एक महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित कई दुकानों और मॉल में नकली नोट से खरीदारी कर चुके थे। दुकानदार को उनकी नोट पर शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचित किया और मौके पर आरोपित के पास से नकली नोट भी बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया है। वक्फ बोर्ड कमेटी मसूरी के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वक्फ बोर्ड की भूमि बेचने का आरोप लगाया है। उपजिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि लंढौर बाजार स्थित कोहिनूर बिल्डिंग जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कानपुर निवासी एक व्यवसायी को बेच दिया गया है जो कि वक्फ बोर्ड कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है और अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में जांच की मांग की जा रही है। हमने आज उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने साफ तौर पर लिखा है कि इस संपत्ति पे जब तक के निर्माण कार्य नहीं किया जाए जब तक कि क्लियर ना हो, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये है कि वक्फ संख्या 18A वक्फ दफ़ा 37 जो रजिस्टर्ड होती है उसमें इंदराज है, तो हमने वक्फ बोर्ड को भी सूचना दी है कि ये संपत्ति बिक गई है और इसमें निर्माण कार्य चल रहा है और SDM साहब को भी हमने कहा तब तक के इस पर निर्माण कार्य ना चले जब तक ये क्लियर ना हो। लक्सर रोड की हाईवे पर सोलानी नदी के पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद मौके से फरार हो गए। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची लक्सर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अगर परिजन तहरीर देंगे तो मुकदमा दर्ज कर दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें जो बाइक सवार लड़का इस्तिखार सनोफ मुस्तफ़ा निवासी घोसीपुरा उम्र 27 वर्ष, इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। इसका पंचनामा जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और ट्रक वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक पकड़ लिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।